और दोस्तों स्वागत है आपका न्यू जिंदगी भारत में। तो दोस्तों भारत ने जिस तरह से लद्दाख में चीन की साजिश को नाकाम किया, उसी तरह भारत ने एक और बेहद ही खतरनाक चीन की साजिश को नाकाम किया। और यह साजिश चीन ने इस तरह चली थी ताकि भारत उसके मित्र राष्ट्र ईरान के बीच में दूरी बढ़ा सके। हालांकि दोस्तों इस साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया और खुद ईरान की गवर्नमेंट ने ही इस साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत चीन भारत और ईरान के बीच में चाबहार प्रोजेक्ट से भारत को बाहर करने था। और यह प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह कितना ज़्यादा स्ट्रेटजिकली भारत को बढ़ा देता है पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत कुछ है जानने के लिए, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों लद्दाख में जिस तरह से चीन की साजिश को भारत ने नाकाम किया और उसके भारत के दिए जवाबों के कारण चीन को जिस तरह से पीछे हटना पड़ा, उससे लगता है चीन अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया और इसीलिए वह भारत की मित्र राष्ट्रों पे भी अब चीन की नज़र है। और इसके तहत चीन ने अपना सब कुछ लगा दिया है और सबसे बड़ा हथियार चीन के पास जो है वह पैसा, और वह पैसे के दम पे अब भारत और ईरान को अलग करना चाहता है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, लेकिन इसका अब ईरान ने पूरी तरह से खंडन किया है और बताया है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत थी और इसका अफवाह उड़ाया गया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था और यह पूरी परियोजना पर करीब 1.6 अरब डॉलर का निवेश होना है। और इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से इंजीनियर भी गए थे ईरान में। हालांकि दोस्तों उसके बाद ईरान पे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, लेकिन भारत को चाबहार प्रोजेक्ट के लिए छूट मिली हुई है और इसी पे चीन की बहुत वही बुरी नज़र थी। और चीन ने इसके लिए ईरान से 400 अरब डॉलर का समझौता किया है 25 सालों का, जिसके तहत वह चीन में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा और इसके बदले वह ईरान से बेहद ही सस्ते दामों में तेल खरीदेगा। और इसी साजिश के अंतर्गत माना जा रहा था कि इसी डील के लिए ईरान ने इंडिया को इस रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है, लेकिन अभी ईरान के ही सरकारी ने यह जानकारी दी कि चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर करने की जो यह अफवाह उड़ी थी, यह पूरी तरह से एक साजिश ही थी और अभी भारत को इस परियोजना से बाहर नहीं किया गया है और भारत इस परियोजना में बरकरार है। लेकिन दोस्तों भारत के ही कुछ राजनेता ऐसे थे जो भारत सरकार पर सवाल उठाने लगे थे बिना किसी जानकारी और जांच के, और कहने लगे थे कि अब भारत की विदेश नीति की पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों अब ईरान के इस जवाब के बाद वही राजनेता कुछ नहीं कहे। हालांकि दोस्तों इस रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत जो है ईरान के चाबहार पोर्ट से रेलवे ट्रैक का निर्माण करेगा जो कि अफगानिस्तान से जोड़ेगी और इससे भारत का अफगानिस्तान पर और अधिक संपर्क होगा। भारत अपने सामानों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान पहुंचा सकेगा और इससे पाकिस्तान पे और दबाव बनाया जा सकेगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।